अगले महीने बाजार में आ सकती है ये डिवाइस, हवा में ही पकड़ लेगी कोरोना। किसी जगह पर हवा में कोरोना वायरस मौजूद है या नहीं, आने वाले दिनों में यह पता लगाना आसान हो सकता है। कनाडा की एक कंपनी ने दावा किया है कि उसने गेम चेंजिंग डिवाइस तैयार की है जो हवा में कोरोना वायरस की पहचान कर सकती है। कंट्रोल एनर्जी व्यापार संघ कंट्रोल एनर्जी कोर्ट नाम की कंपनी इनडोर एयर क्वालिटी और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट बनाने का काम पहले से करती आई है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद कंपनी ने कोरोना वायरस की पहचान करने वाली डिवाइस तैयार करने पर काम शुरू किया था। कंपनी ने कनाडा के ओंटारियो की दो लैब्स में कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च करने के बाद बायोक्लाउड नाम से एक डिवाइस तैयार कर ली। यह डिवाइस हैंड ड्रायर की तरह दिखती है, लेकिन यह हवा अंदर की ओर खींचती है और फिर उस हवा का विश्लेषण कोरोना की जांच के लिए करती है। ग्लोबल न्यूज का की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का कहना है कि उसकी डिवाइस यह पता कर सकती है किसी खास जगह पर हवा में वायरस मौजूद तो नहीं है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वहां मौजूद लोगों की अलग से जांच की जा सकती है। क्लासरूम या दफ्तर में भी यह डिवाइस काफी उपयोगी साबित हो सकती है। कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डेविड हेनरिक्स ने बायोक्लाउड डिवाइस की टेस्टिंग की है। कंपनी नवंबर तक इस डिवाइस को बाजार में लॉन्च करने वाली है, जिसकी कीमत करीब 8.8 लाख रुपए होगी। कंपनी को दुनिया भर से ऑर्डर भी मिलने शुरू हो गए हैं। फिलहाल कंपनी हर महीने 20,000 यूनिट तैयार कर सकती है।